स्किन की कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि जो सीजनल आती हैं, सर्दियों में हम और किस्म की स्किन डिजीज़ देखते हैं, गर्मियों में और किस्म की होती हैं, और स्पेशली आप जिस दो महीनों की बात कर रही हैं तो बहुत आपने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बात कही कि शक्ल देखने को दिल नहीं करता। तो ऑनेस्टली जो हम कहते हैं कि जो गोरे होते हैं वो भी हल्के पड़ जाते हैं इस मौसम के अंदर, जिनकी रंगत अच्छी साफ़ होती है, और बेचारे जो हल्की रंग वाले होते हैं तो बिल्कुल ही बेचारे, वो कहते हैं ना कि बहुत गंदी सी रंगत उनकी हो जाती है। तो ये एक नॉर्मल है, एक सिलसिला है कि जो इस मौसम के अंदर क्यों होता है ऐसा, इसलिए होता है कि इस मौसम के अंदर ज़्यादातर हमारे जो हॉर्मोन्स की एक जो स्किन पे इफेक्ट आता है उसका हमारे ग्लैंड्स के ऊपर आता है, और वो वाले ग्लैंड्स होते हैं कि जो सिक्रीशन सीबम सिक्रीट करते हैं, ऑयलीनेस सिक्रीट प्रोड्यूस ज़्यादा करते हैं, मौसम की वजह से ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। अब देखिए चिपचिपाहट, अभी आपने कहा मुंह धो के निकले तो घंटे बाद दोबारा से वही ऑयल चेहरे के ऊपर आ जाता है, तो एक सिस्टम ऐसा डेवलप हो जाता है जिसमें वही ऑयली ग्लैंड हैं, और वही ऑयली ग्लैंड है कि जो जाके एक्नी प्रोड्यूस कर रहा होता है। याद रखें एक ही ग्लैंड है, दैट्स सेबेशियस। जो स्वेट ग्लैंड्स हैं और चीज़ होती हैं, पसीना जहाँ से निकलता है वो एक और खलिए हैं, जो सीबम प्रोड्यूस करता है, ऑयल प्रोड्यूस करता है, वो एक और खलिए हैं। इससे पहले तो लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि दो अलग-अलग ग्लैंड्स हैं बॉडी के अंदर, डिफरेंट हैं, पूरी कंप्लीट स्किन के अंदर होते हैं, एक पसीना दे रहे होते हैं और एक ऑयलीनेस प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और इस मौसम में ये हाइपर एक्टिव हो जाते हैं ये दोनों ग्लैंड्स जो हैं। इसलिए आप देखें कि इसमें पसीना तो आता ही आता है इंसान को, मगर उसके साथ साथ ऑयलीनेस बहुत ज़्यादा, सिक्रीशंस बढ़ जाती हैं, एक्नी, कील, मुहासे, पिंपल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इसके अंदर। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो, और उसकी हमें बचत के लिए, चलें आगे ट्रीटमेंट तो अभी हम डिटेल्स में करेंगे कि किसके क्या कहाँ तक हद होगी, क्या करें, मगर इसकी बचत में मैं हमेशा बताता हूँ इस मौसम के अंदर, एक तो ज़्यादा फेस धोना होता है आपने कम से कम दिन में 3 से, जिनकी बहुत ऑयली स्किन है, मगर वो किस चीज़ से उन्होंने फेस धोना है, वो आम ये जो एडवर्टाइजमेंट्स पे सोप या फेस वॉशेज होते हैं हम कभी भी रिकमेंड नहीं करते, डॉक्टर कभी रिकमेंड नहीं करेगा, हम कहेंगे इट शुड बी मेडिकेटेड। मेडिकेटेड क्या क्या मुराद है, जिसके अंदर समझे बेंजाइल पेरोक्साइड डाला होगा उस फेस वॉश के अंदर या सोप के अंदर, या जिसमें सैलिसिलिक एसिड डाला होगा या जिसमें सल्फर डाला होगा, ये वो चीज़ें हैं जो एस्ट्रिंजेंट्स हैं जो कि ऑयल को कंट्रोल करती हैं और बेहतर करती हैं, सफाई भी करती हैं, ऊपर से किस्म का रंदा भी फेरती हैं। ये वो चीज़ें हैं कुछ सोप में, लोशंस में, फेस वॉशेस के अंदर ये चीज़ें डली होती हैं, तो वो वाला इस्तेमाल करना चाहिए कि जैसे लोग कहते हैं एंटी एक्नी सोप्स हैं या एंटी एक्नी फेस वॉश है, उनमें ये चीज़ें डली होती हैं जिसका मैंने अभी जिक्र किया है। तो इसलिए इस मौसम के अंदर कम से कम मैं हमेशा पेशेंट को कहता हूँ कि 3 से 4 बार अगर किसी की बहुत ऑयली स्किन है, पहली बात याद रखें आप स्किन इनहेरिट करते हैं, स्किन जेनेटिकली इनहेरिट की जाती है, ये अपने पेरेंट्स से आप लेते हैं। कई लोगों की स्किन होती है वेरी ऑयली स्किन जो कि इस मौसम में बहुत ऑयली हो जाती है, कईयों की ड्राई स्किन होती है जो नॉर्मल, वेरी ड्राई स्किन होती है वो नॉर्मल हो जाती है इस मौसम में, क्योंकि वहाँ पर उनके भी ऑयल प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, तो इसलिए वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, जेनेटिकली अकॉर्डिंग टू योर फैमिली के फैमिली में जैसे रन। अच्छा,